नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। जनता कर्फ्यू के दिन का मनरेगा मजदूरों का फर्जी भुगतान। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 को एक दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। जनता कर्फ्यू का देश की आम जनता ने भरपूर समर्थन किया, लेकिन सरकारी मशीनरी ने इस दिन भी अपनी हरकतों के कारण सुर्खियां बटोरी। दरअसल यूपी के कौसाम्बी के कड़ा ब्लॉक के जिम्मेदारों ने मनरेगा मजदूरों का फर्जी मास्टर रोल जारी कर उनके खातों में हजारों रुपए भेज दिए। सूत्रों की माने तो भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों ने मनरेगा मजदूरों से रकम वापस भी ले ली और मनरेगा मजदूरों की रकम को वापस ले लिया। जनता कर्फ्यू के दिन भी ब्लॉक के जिम्मेदारों के कारनामों की जानकारी होते ही सिराहतु विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने डीएम मनीष कुमार वर्मा से शिकायत की। डीएम ने मामले की जांच सीडीओ को सौंप दी। कड़ा ब्लॉक के जिम्मेदारों ने 22 मार्च यानी जनता कर्फ्यू के दिन भी अपनी हरकतों के कारण विभाग को दागी बना दिया। जिम्मेदारों ने कंथुआ, ख्वाचकी, मई, रामपुर, बढ़नावा, गौसपुर, नवावा, नादेमई, केसरीवा, संभुई समेत लगभग दर्जन भर ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों का 22 मार्च का फर्जी मास्टर रोल जारी किया। इन ग्राम पंचायतों के 68 से अधिक मजदूरों के खातों में 182 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 12,376 रुपए का फर्जी मास्टर रोल बनाकर वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन भेज दिया। चर्चा है कि जिम्मेदारों ने बाद में एक दिन की मजदूरी को वापस लेकर बंदर बांट कर लिया। फर्जी मास्टर रोल में ग्राम पंचायतों के मक्का काम जैसे नाली, इंटरलॉकिंग आदि काम शामिल हैं। हालांकि यह रकम बहुत छोटी है, लेकिन सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक दिन के जनता कर्फ्यू की अपील की और देश के नागरिकों ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया, तो क्या चंद पैसों की लालच के खातिर कड़ा ब्लॉक के जिम्मेदार जनता कर्फ्यू का समर्थन नहीं किए? इनके गड़बड़ झाले से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हालांकि वीडियो कड़ा श्वेता सिंह ने बगैर कैमरे के सामने बोलते हुए कहा कि काम करवाने के पहले ही मास्टर रोल जारी हो जाता है। उनकी इन बातों से यह पता चलता है कि यदि मास्टर रोल काम के पहले ही जारी होता है तो और भी बड़ा खेल हो जाता होगा। तब तो बगैर काम के ही भुगतान कराने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। इतना ही नहीं, यदि कोई मजदूर बीच में अवकाश ले लेता है तो शायद उसकी भी फर्जी हाजिरी रहती होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कड़ा ब्लॉक के जिम्मेदार अपने ही बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जबकि कड़ा ब्लॉक के जिम्मेदार चाहते तो जनता कर्फ्यू वाले दिन का भुगतान ना कराते और भ्रष्टाचार के खेल से बच सकते थे। इस खेल में ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सचिव, जेई टेक्निकल अफसर, APO व BDO समेत अन्य जिम्मेदारों के स्तर गड़बड़ झाला हुआ है। घोटाले की जिम्मेदारी होते ही सिराथु विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने DM मनीष कुमार वर्मा से शिकायत कर जांच की मांग की। DM ने CDO इंद्र सेन से पूरे प्रकरण की जांच कराने का निर्देश दिया। खबर जगत के लिए LN सिंह की। सर, कड़ा ब्लॉक के 68 गांव में जनता कर्फ्यू यानी 22 तारीख को काम करवाया गया, ऐसा रिकॉर्ड है, लेकिन काम नहीं हुआ और पेमेंट भुगतान हो गया, क्या है पूरा मामला? अगर आप आज इस बात को संज्ञान में ला रहे हैं तो मैं इसको देखूंगा कि क्या उस दिन बिना काम किए किसी ने भुगतान कराया है। ये तो जांच का विषय है, जांच करा के ही इस पर क्या हुआ है, गलत हुआ है, तो इस पर कार्रवाई की। मोदी जी ने जनता कर्फ्यू वाले दिन सब चीज बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये उचित है? जहाँ तक मनरेगा की बात है, मनरेगा में अगर काम नहीं हुआ था, बिना काम के भुगतान हुआ है, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। बाहर ही नहीं निकले तो काम कैसे हो गया, मतलब इससे तो
साफ जाहिर है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। नहीं, इसी बात की तो जांच हो रही है, उसमें कम से कम 8 से 10 बिंदु है। केवल काम नहीं है, काम कराया नहीं गया, भुगतान भी कराया गया, ऐसी भी शिकायत है। और लोग वहाँ गए, वहाँ के फोटोग्राफ भी लाए जो जगह चिन्हित थी, इसलिए लेटर जारी किया गया है। और निश्चित ही फर्जी पाड़ा अगर पाया गया तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे कतई छोड़े नहीं जाएंगे।